Hello and welcome back to this course of Power Engineering and Refrigeration for 5th semester diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video series on chapter number 4, Gas Turbine and Jet Propulsion. And today in this video lecture, we are going to learn about jet propulsion. Jet propulsion is one of the application of gas turbine. So we are going to learn how the gas turbine is used in jet propulsion. Before moving to the video, let's discuss the learning outcome for this video lecture. After completion of this video lecture, the learner will be able to, number one, identify the components of given type of jet engines. So dosto, is video lecture mein hum log sabse pehle different type of jet engines padhenge, jet propulsion kya hota hai wo padhne wale hai, uske baad usko compare karenge gas turbine se ki gas turbine ko kis tarah se jet engine mein apply kiya jata hai aur kaun se component use kiye jate hai aur kaise unko place kiya jata hai. So is tarah se hum log construction aur working padhenge different type of jet engines ka. So इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जेट प्रोपल्शन पढ़ने वाले हैं. तो इस वीडियो का आउटकम क्या होगा कि आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करना आना चाहिए गिवन टाइप ऑफ जितने भी टाइप के जेट इंजन हैं उन सब की कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. तो आगे बढ़ने से पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो पीओ और पीएसओ मैपिंग क्या होगा, तो सबसे पहले पीओ वन मैप हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज अ बेसिक नॉलेज. तो हमारा बेसिक नॉलेज बढ़ने वाला है इसीलिए हमने पीओ वन मैप किया है. उसके बाद डिसिप्लिन नॉलेज पीओ टू यहाँ पर हमने मैप किया है क्योंकि दिस इज अ टॉपिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देन कम्स टू द पीओ थ्री दैट इज इंजीनियरिंग सॉरी एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. सो पीओ थ्री हमने मैप किया. फिर इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट पीओ फोर हम लोगों ने मैप किया है क्योंकि यहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर के कुछ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं. उसके बाद हम लोगों ने मैप किया है पीओ एट दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. तो आपको इंडिविजुअली ये टॉपिक पढ़ना है, समझना है और एक्सप्लेन करना आना चाहिए. सो इसीलिए पीओ एट मैप किया है. उसके बाद पीओ नाइन यानी कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होगा. आपको ये पढ़ने के बाद ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना आना चाहिए किसी को भी इंटरव्यूज में, वाइवाज में एंड ऑल थिंग. सो आपका रिटन कम्युनिकेशन ऑल एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है, इसीलिए पीओ नाइन भी मैप किया है. उसके बाद आता है पीओ टेन. सो पीओ टेन है लाइफ लॉन्ग लर्निंग. सो जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर करियर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. देन कम्स टू पीएसओ टू एंड पीएसओ थ्री. सो पीएसओ टू होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो हम यहाँ पे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड पीएसओ थ्री इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द पीओ पीएसओ मैपिंग एंड व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर. सो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं जेट प्रोपल्शन क्या होता है उससे. तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जेट प्रोपल्शन. जेट प्रोपल्शन यानी कैसे क्या होता है, या जैसे कि नाम लिखा है जेट, जेट इज नथिंग बट द नोजल. तो नोजल हमने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा था कि नोजल क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमारा बेसिक नॉलेज है. उसके बाद प्रोपल्शन. प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोपेल करना यानी चलाना या धकेलना. तो किसी भी चीज को अगर आप मोशन में लाना चाहते हैं यानी उसको प्रोपेल करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोपल्शन. और ये प्रोपल्शन कैसे हो रहा है, ये प्रोपल्शन हो रहा है जेट को यूज करके. यानी किसी फ्लूइड का एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम जब यूज होता है प्रोपेल करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे जेट प्रोपल्शन. तो जैसे कि अभी आपको समझा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसी
एक फ्लूइड को एक नोजल से पास करेंगे और उसके वजह से अगर कुछ चीजें प्रोपेल हो रही है देन दैट विल बी नोन एज जेट प्रोपल्शन। तो जेट प्रोपल्शन क्या होता है? तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें हम लोग किसी भी जो फ्लूइड है, जो कोई भी मैटर है, इट मे बी एयर और एनी लिक्विड और एनी अदर गैस, हम उस गैस को क्या कर रहे हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं टू प्रोपेल, टू क्रिएट दी थ्रस्ट। अब देखिए, किसी भी चीज को अगर चलाना है, जैसे इंजन हमारा जब वर्क करता है, गाड़ी जब चलती है, तो हम थ्रस्ट क्रिएट करते हैं, टॉर्क क्रिएट करते हैं ताकि वो व्हीकल चल सके। तो यहाँ पर थ्रस्ट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो जेट प्रोपल्शन जो होता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग द कंप्लीट एनर्जी ऑन दी मोमेंट, मोमेंटम और थ्रस्ट, जितनी भी एनर्जी है उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक फ्लूड के पार्टिकल के ऊपर, एंड दैट एनर्जी जो विच इज स्टोर्ड इनसाइड दी मटेरियल और दैट फ्लूड इज यूज्ड टू प्रोपेल दी योर व्हीकल। नॉट व्हेन वी आर कॉलिंग टॉकिंग अबाउट अ व्हीकल, तो जेट प्रोपल्शन और अ जेट इंजिन, दीज ऑल आर यूज्ड इन दी एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए वो काम में आएगा। तो यहाँ पर जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज डिपेंड ऑन द मोमेंटम। तो जो फ्लूड का मोमेंटम होता है, वी आर यूजिंग दैट एनर्जी। एंड थर्ड लॉ तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एक बलून दिखाई दे रहा है जिसमें से एयर बाहर आ रही है। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा या आप इजीली ये कर सकते हो कि एक बलून के अंदर आप एयर फिलअप करते हो और जब उस बलून को मुंह से आप पकड़ के रहते हो तो एयर बाहर नहीं निकलती, लेकिन जब आपने उसको एयर का जो बलून का मुंह है उसको अगर खोल दिया तो क्या होगा, एयर बाहर निकलेगी और बलून उड़ने लगेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि क्या हो रहा है, एयर जब बाहर निकल रही है, जितनी स्पीड से बाहर निकल रही है, तो इट इज क्रिएटिंग अ इक्वल इम्पैक्ट। तो वो जो बलून है वो कहीं पर भी उड़ने लगता है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा एक एनिमेशन में कि एक बलून है जिसके अंदर से एयर निकल रही है और वो कहीं भी रैंडमली घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, जेट इंजन में हम लोग क्या करते हैं, सेम वर्किंग प्रिंसिपल यूज करते हैं कि आप पीछे से एक नोजल से जो हॉट गैसेस है उसको एक हाई वेलोसिटी से नोजल के थ्रू पास करते हैं और एक थ्रस्ट क्रिएट होता है, और ये जो थ्रस्ट क्रिएट होता है उसकी वजह से आपका जो इंजन है वो आगे जाता है। वहाँ हम लोग डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। बलून में डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, पर प्लेन में ये अरेंजमेंट हमारे पास होता है। सो दिस इज द सेम वर्किंग प्रिंसिपल ऑन विच द जेट प्रोपल्शन इज यूज्ड। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट मे बी अचीव्ड बाय एक्सपांडिंग द गैस थ्रू द नोजल ड्यू टू विच अ हाई वेलोसिटी जेट ऑफ हॉट गैसेस डाई दैट गिव्स अ प्रोपल्सिव फोर्स। जैसे कि मैंने कहा कि जो हॉट गैसेस जनरेट होगी, किसी भी इंजन में बेसिक प्रोसेस जो होती है, जो प्रोसेस यहाँ हमेशा होती है कि इनलेट देन कॉम्प्रेशन देन कंबशन एंड एक्सपांशन एंड देन एग्जॉस्ट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्जॉस्ट को भी यूज कर रहे हैं कि जो हाई वेलोसिटी स्ट्रीम बाहर निकल रही है, गैस बाहर निकल रही है, दैट गैस इज यूज टू क्रिएट अ प्रोपल्सिव फोर्स यानी थ्रस्ट, यानी व्हीकल को चलाने के लिए, आपका जो प्लेन है उनको चलाने के लिए दैट एनर्जी इज यूज्ड। देन अगेन द लास्ट वन इज फॉर जेट प्रोपल्शन दी ओपन साइकिल गैस टर्बाइन इज मोस्ट सुटेबल, क्योंकि जेट प्रोपल्शन है सो आपको गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना है, दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ओपन साइकिल। सो क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन इज नॉट अप्लीकेबल ऑन जेट प्रोपल्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्शन। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जेट प्रोपल्शन सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहला जो टाइप होता है वो है एयर स्ट्रीम जेट इंजन। एयर स्ट्रीम का मतलब क्या है कि एयर अंदर स्ट्रीम हो रही है, एंड इसका दूसरा नाम है एयर ब्रीथिंग इंजन, यानी
जिन इंजिन्स को एयर सप्लाई की जाती है, यानी बिना एयर के ये इंजिन्स काम नहीं करते, बिकॉज दे आर टेकिंग द एयर, एयर ब्रीथ कर रहे हैं, यानी दे आर टेकिंग एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर। इसमें दो टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है स्टेडी कंबशन सिस्टम, यानी जिसमें कंबशन स्टेडी कंटिन्यूअसली होते रहता है, जिसमें आपको कंटिन्यूअस एयर को फ्लो सप्लाई करना पड़ता है। तो जब हम कंटिन्यूअस एयर को सप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइप के जो जेट इंजिन होते हैं, उसमें तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है टर्बो जेट इंजिन, उसके बाद टर्बो प्रॉप इंजिन, एंड तीसरा होता है टर्बो सॉरी रैम जेट इंजिन। तो ये तीन टाइप के इंजिन होते हैं, इन तीनों में एयर को सप्लाई किया जाता है। दूसरा है इंटरमीडिएट कंबशन सिस्टम, यानी इंटरमीडिएट फ्लो। इसमें क्या होगा, एयर का फ्लो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, यानी कंबशन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंबशन, जैसे हमने आईसी इंजन पढ़ा होगा, उसमें जैसे कंबशन होता है, एक बार कंबशन होता है, फिर तीन स्ट्रोक खाली जाते हैं, उसके बाद कंबशन होता है फिर से। सो दैट टाइप ऑफ इंजिन इज नोन एज इंटरमीडिएट कंबशन इंजिन। तो उस टाइप में क्या आएगा, पल्स जेट और फ्लाइंग बॉम्ब टाइप ऑफ इंजिन आर यूज एज अ जेट प्रोपल्शन। तो ये हो गया जेट प्रोपल्शन इंजन का दूसरा टाइप। दूसरा होता है सेल्फ कंटेन्ड रॉकेट इंजिन। तो जेट प्रोपल्शन का दूसरा जो एप्लीकेशन है, वो रॉकेट्स वगैरह में यूज होता है। तो रॉकेट में या मिसाइल्स में जहाँ पर हम लोग जेट इंजिन को यूज करते हो, तो दे आर नॉन ब्रीथिंग इंजिन। नॉन ब्रीथिंग इंजिन जब हम बात कर रहे हैं, तो कैसा होगा, उसमें एयर अलग से सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एयर जो फ्यूल होता है, इट ऑल्सो कंटेन दी एयर इन साइड। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है लिक्विड प्रोपेलेंट और दूसरा होता है सॉलिड प्रोपेलेंट। सो लिक्विड प्रोपेलेंट की अगर बात करें, तो लिक्विड फ्यूल होता है जिसके अंदर हमको कुछ भी अलग से एयर सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और सेम थिंग इज अ सॉलिड प्रोपेलेंट। तो ये जो चीजें हैं, ये रॉकेट्स मिसाइल्स वगैरह में इस टाइप के इंजिन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, आपको अलग से एयर सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए कॉम्प्रेसर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ जेट प्रोपल्शन इंजिन, एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इंजिन। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि एक जेट इंजन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑल जेट इंजन आर अ गैस टर्बाइन, तो सारे जेट इंजन गैस टरबाइन होते हैं, और गैस टरबाइन के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले एक कंप्रेसर होता है जो एटमॉस्फेयर से एयर इनटेक करता है, सक करता है, और उसे कंबशन चेम्बर में सप्लाई करता है, जहां पर ये कॉम्प्रेस्ड एयर फ्यूल के साथ मिक्स की जाती है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न होता है, हॉट गैसेस जनरेट होती है, एंड दीज हॉट गैसेस आर यूज टू रन दी टर्बाइन। एंड देन आफ्टर दिस हॉट गैसेस आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। गैस टरबाइन का काम यहाँ टरबाइन तक ही खत्म हो जाता है, पर जब हम जेट इंजन का बात करते हैं, तो ये जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, दिस एग्जॉस्ट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट द थ्रस्ट। सो दैट थिंग मेक्स द गैस टरबाइन डिफरेंट फ्रॉम द जेट इंजन। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स कंपेयर दीज जेट इंजिन गैस टरबाइन कंपोनेंट्स विद दी जेट इंजिन। सो यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था कि हम लोग जब भी बेसिक जेट इंजिन की या गैस टरबाइन में जो यूज करते हैं, जो कॉम्प्रेसर यूज करते हैं, दैट कॉम्प्रेसर इज ऑलवेज अ एक्सियल टाइप कॉम्प्रेसर। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे सबसे पहले एक्सियल कॉम्प्रेसर है, यहाँ से एयर अंदर आ रही है, एंड देन दिस इज अ कंबशन चेम्बर, एंड दिस वन इज अ टर्बाइन, एंड द लास्ट वन इज अ नोजल। तो इसको कंपेयर करते हैं बेसिक जेट इंजिन्स के साथ में। तो सबसे पहला क्या है, कॉम्प्रेसर। सो दिस इज, लुक एट दिस, अ ग्रीन बॉक्स, एंड इन दिस वी आर हैविंग अ कॉम्प्रेसर, देन वी नीड अ कंबशन चेम्बर। सो दियर हियर इट इज अ कंबशन चेम्बर वेयर कॉम्प्रेस्ड एयर विल बी मिक्सड विथ फ्यूल, देर आर फ्यूल इंजेक्टर्स, एंड देन अ हॉट गैसेज आर जनरेटेड। देन दिस हॉट गैसेज आर पास टू दी टर्बाइन, एंड वेन इट इज पास टू दी टर्बाइन, वट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी विल बी यूज टू रन दिस कॉम्प्रेसर एज वेल एज अदर
auxiliaries. And then the last process, hot gases are released to the atmosphere through the nozzle, and this passing through the nozzle create a thrust. Because of this thrust, thrust is created in the opposite direction. जैसे आपके exhaust gas इस direction में जा रही है बाहर, so thrust will be created in a forward direction. So that is the working principle of a jet engine, and these are the main components. So कितने components होते हैं? सबसे पहले compressor, combustion chamber and turbine, and the last one is the nozzle. So these four are the main component of gas turbine, jet engines. Now once more revise the working or basic operations of a jet engine. So basically जब भी हम engine की बात करते हैं, heat engine की बात करते हैं, so there are four basic process. Number one is the intake, where the air or a fuel is intake sucked inside the engine. Then a compression, after that combustion, and the last one is exhaust. Combustion ke baad process aata hai expansion ya phir working stroke. So yahan pe combustion ke baad working stroke bhi hota hai. So yahan pe kya hoga, sabse pehle air enters through the intake duct. Yahan pe ek intake duct hota hai jisse air andar aati hai, and then this intake air is compressed by this axial compressor. Axial compressor isko compressed karta hai, and then this compressed air mixed with the fuel and ignited inside the combustion chamber. Uske baad this high velocity, high pressure gases are passed to the turbines to create a mechanical energy, and that mechanical energy is created. This is a turbine which is running because of the hot gases, and after that this hot gases are passed through this nozzle to create a thrust. So this is the basic working of jet engine. Now before moving further, let's discuss about what are the common types of jet engines. So basic sabse pehla jo इंजन होता है वो होता है टर्बोजेट इंजन. कंपोनेंट्स देखिए यहाँ पे सेम कंपोनेंट्स है. सो टर्बोजेट इंजन पहला होता है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर अ हाई स्पीड. तो जहां पे आपको स्पीड की जरूरत है वहां पर टर्बोजेट इंजन यूज होता है. दूसरा होता है टर्बो प्रॉप इंजन, ये छोटे प्लेन्स में यूज होता है. जहाँ पे छोटे साइज के प्लेन्स होते हैं तो वहां पर हम टर्बो प्रॉप इंजन यूज करते हैं. एंड द लास्ट वन इज टर्बो फैन. तो जो बड़े पैसेंजर या कार्गो एयरलाइन प्लेन्स होते हैं वहां पर हम लोग टर्बो फैन इंजन यूज करते हैं. सो ये बेसिकली तीन टाइप है जेट इंजिन के जो कमर्शियली यूज किए जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं जेट इंजिन के बारे में. सबसे पहला जो इंजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है टर्बो जेट इंजन. तो टर्बोजेट इंजन, जैसा कि नाम लिखा हुआ है टर्बोजेट इंजन, ये वर्क किसके बेस पे करता है? जेट के यानी नोजल के बेस पे काम करता है. तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजर है जहां से एयर इनटेक होगी इंजन के अंदर आएगी. उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे है एक एक्सियल कॉम्प्रेसर. तो ये कॉम्प्रेसर का काम क्या है, एयर को कॉम्प्रेस करना, उसका प्रेशर बढ़ाना. देन इट विल कम टू दिस कंबशन चेम्बर, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगे होंगे. तो मिक्सिंग होगा एयर और फ्यूल का, एंड कंबशन होगा, हॉट गैसेस जनरेट होगी, एंड दिस हॉट गैसेस देन गोइंग टू ड्राइव दिस टर्बाइन. और टर्बाइन को चलाने के बाद में दिस हॉट गैसेस आर पास्ड टू द नोजल, और ये पूरी की पूरी जो हॉट गैसेस होती है वो नोजल से पास होती है, बाहर निकलती है. तो यहाँ पे देखिए आपको वर्किंग भी दिखाई दे रहा है. यहाँ पे देखिए ब्लू कलर यानी कोल्ड एयर है टर्बाइन कंप्रेसर के अंदर आ रही है. देन हियर कंबशन टेक्स प्लेस एंड देन इट इज रनिंग द टर्बाइन एंड देन नोजल के थ्रू बाहर जा रहा है. सो जेट इंजन की खासियत क्या होती है कि इट इज यूज्ड अ टर्बाइन इज यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर. तो यहाँ पे जितना भी टर्बाइन जो साइज होता है टर्बाइन का वो बहुत छोटा होता है. यहाँ पे देखिए कंप्रेसर का साइज इतना बड़ा है पर टर्बाइन इतना छोटा सा है. क्यों? क्योंकि टर्बाइन का काम सिर्फ इतना पावर प्रोड्यूस करने का है कि वो
आपके कंप्रेसर को चला सके। सो टरबाइन का यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है कि वो कंप्रेसर को चलाए, बाकी जो जेट को चलाने के लिए यानी जो प्लेन में ये लगा हुआ है वो एरोप्लेन को चलाने के लिए, एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत, जो थ्रस्ट की जरूरत है, दैट थ्रस्ट विल बी क्रिएटेड बाय दिस नोजल ओनली। सो ऑल इनटेक एयर पासेस थ्रू द कंबसन चेंबर एंड एग्जिट थ्रू द नोजल। पूरा का पूरा जितना भी एयर यहाँ से निकल रहा है वो पूरा का पूरा एयर यहाँ से आगे जाएगा और नोजल के थ्रू निकलेगा, एंड ऑल थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड, यानी व्हीकल को जो एयरक्राफ्ट है उसको चलाने के लिए जितने भी पावर की जरूरत पड़ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस थ्रस्ट। टर्बाइन का यहाँ पे लिमिटेड यूज है, क्या काम है उसका, सिर्फ कॉम्प्रेसर को चलाना और एयरक्राफ्ट में जो कुछ ऑक्सिलरीज होती है उनको चलाने के लिए ही उसका यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्बो जेट इंजिन। सो एप्लीकेशन कहाँ होंगी, एप्लीकेशन है दिस टाइप ऑफ इंजिन आर यूजफुल वेयर वी नीड हाई स्पीड। हाई स्पीड भी कौन सी, सुपरसोनिक स्पीड अगर आपको चाहिए यानी साउंड की जो वेलोसिटी है उससे ज्यादा स्पीड से अगर आपको प्लेन चलाने हैं तो यू नीड दिस टाइप ऑफ इंजिन दैट इज टर्बो जेट इंजिन, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंजिन आर यूज्ड इन फाइटर जेट्स। तो फाइटर प्लेन जो होते हैं जैसे मिग हो गया, जैगुआर हो गया, राफेल एंड ऑल दिस जो आप सुनते रहते हो, दे आर यूजिंग टर्बो जेट इंजिन। सो इसीलिए इसको जेट इंजिन बोलते हैं, और वो प्लेन को भी आप जेट बोलते हैं, फाइटर जेट्स, बिकॉज द इंजिन इज टर्बो जेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्बो जेट इंजिन। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ टर्बो प्रॉप इंजिन। जब टर्बो प्रॉप इंजिन की बात कर रहे हैं तो इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप। सबसे पहला है जेट इंजिन। जेट इंजिन में अभी जो चीजें हमने पढ़ी ये वही है। यहाँ से आगे अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूजर है, उसके बाद हमारे पास में है कॉम्प्रेसर, कंबशन चेम्बर, टर्बाइन और नोजल। पर इसमें एक एक्स्ट्रा आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, दैट इज अ प्रोपेलर, यानी एक फैन लगा हुआ है एंड दैट फैन इज कनेक्टेड टू दी रिड्यूसिंग गियर बॉक्स, यानी इसकी स्पीड को कम करने के लिए। तो फैन का काम क्या है, ये फैन यहाँ पे थ्रस्ट क्रिएट करता है, ये एयर को इस तरफ ढकेलता है। अब एयर जितनी ज्यादा यहाँ पे जाएगी उतना ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट क्रिएट होगा और ये जो एयरक्राफ्ट है वो आगे जाएगा। तो इस टाइप के जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये यूज किए जाते हैं छोटे एयरप्लेन्स में, यानी जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं वहां पर हम लोग इस टाइप के इंजन को यूज करते हैं। तो यहाँ फायदा क्या हो रहा है कि ये जो टरबाइन है, और जो आपका टरबाइन है उसको क्या क्या चलाना है, ये कॉम्प्रेसर को भी चलाना है और ये प्रोपेलर को भी चलाना है। तो यहाँ पे नोजल का उतना ज्यादा काम नहीं पड़ता, नोजल को बहुत कम इसमें यूज करते हैं हम लोग। सो मैक्सिमम पावर इज क्रिएटेड बाय दिस टर्बाइन एंड थ्रस्ट इज क्रिएटेड बाय दिस प्रोपेलर। तो यहाँ पे नोजल का काम नहीं है, उसकी जगह किसका काम है, प्रोपेलर का काम है। सो इस टाइप के जो इंजन होते हैं उनको हम कहते हैं टर्बो प्रॉप इंजन, क्योंकि प्रोपेलर इसमें लगा हुआ है, दैट प्रोपेलर यूज टू क्रिएट अ थ्रस्ट टू रन द एयरक्राफ्ट। देन लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ टर्बोजेट इंजिन, जेट प्रोपल्शन, दैट इज टर्बो फैन इंजिन। तो टर्बो फैन इंजिन में क्या होता है, कॉम्प्रेसर के पहले डिफ्यूजर के अंदर में एक फैन लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक फैन का काम क्या है, ये फैन दो काम करता है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एयर एक लार्ज प्रोपेलर इन द इनटेक कॉल इन फ्रंट ऑफ कॉम्प्रेसर। तो ये डिफ्यूजर जो है उसको कॉल भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो कॉल है, डिफ्यूजर है, इसके अंदर एक बड़ा फैन लगा हुआ रहता है, और ये फैन क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर सक करता है और कुछ अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई होती है कॉम्प्रेसर को, जबकि बाकी की जो एयर है दैट इज सप्लाइड टू दी अगेन बाईपास टू दी एंड ऑफ द प्लेन। नाउ इट क्या, व्हाट इज हैपन, ये बड़ा फैन लगा है तो क्या होगा, ये बड़ा फैन का काम क्या है कि इट विल अट्रैक्ट, इट विल सक द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन अ लार्ज अमाउंट। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर अंदर सक होती है और उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एयर इज पास्ड टू द इंजिन। बहुत कम एयर हम लोग इंजिन में सप्लाई करते हैं और मैक्सिमम जो एयर होती है दैट एयर इज सप्लाइड टू द नोजल ऑल्सो। देन व्हाट हैपन, पार्ट ऑफ द थ्रस्ट
through the hot exhaust gas and part of by the cold bypassed air produces cooler exhaust and quieter engine. तो यहाँ पे क्या होता है फायदा कि बहुत कम यानी 75% कम फ्यूल लगता है हमको, क्योंकि टरबाइन का काम क्या है, सिर्फ कॉम्प्रेसर को और इस फैन को चलाना था। और कम फ्यूल लगेगा आपको, इंजन में एग्जॉस्ट कम जलेगा, एग्जॉस्ट कम निकलेगा, नोजल से कम एग्जॉस्ट बाहर जाएगा और ठंडी एयर जो है वो भी बाहर कम निकलेगी। तो ये वाले जो इंजन होते हैं वो थोड़े से ठंडे काम करते हैं, कूलर होते हैं एंड दे आर क्वाइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर यूज्ड फॉर अ हेवी एयरक्राफ्ट, यानी जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं या फिर जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं जहाँ पे मटेरियल को यानी कार्गो को कैरी करने के लिए जो प्लेन यूज किए जाते हैं, वहां पर आपको ये टर्बो फैन इंजिन देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने अगर कभी भी देखा होगा किसी प्लेन में या अपने रियल में भी अगर कोई प्लेन का इंजिन देखा होगा तो आपको उसके बाहर में ही फैन नजर आएगा। सो दैट फैन जो दिखाई दे रहा है तो वो कौन से टाइप का इंजन हो गया, वो टर्बो फैन इंजिन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्बो फैन। याद रखिए एप्लीकेशन कहाँ पे होंगी, कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बड़े प्लेन्स होते हैं जो पैसेंजर हो गए या फिर कार्गो कैरिंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं, वहां पर हम इस टाइप का इंजन यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। सो दिस इज द थर्ड वन, दैट इज टर्बो फैन इंजन। तो ये देखिए इसकी वर्किंग आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजर है, ये देखिए ये आपका फैन है और यहाँ से क्या हो रहा है, जो एयर आ रही है कुछ एयर देखिए यहाँ पे कंबशन चेंबर के थ्रू टर्बाइन होते हुए नोजल से बाहर निकल रही है, बाकी एयर बाईपास होके डायरेक्टली बाहर निकल रही है दूसरे नोजल के थ्रू। तो ये दोनों एक साथ में यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ टर्बो फैन इंजिन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैमजेट इंजन। दिस इज अ टाइप ऑफ रैमजेट इंजन और जेट इंजन विच इज यूज्ड इन दी मिसाइल्स। तो जितने भी मिसाइल्स है या रॉकेट्स है वहां पर हम लोग जनरली रैमजेट इंजन यूज करते हैं। रैमजेट इंजन जैसे कि नाम दिखाई दे रहा है, रैमिंग इफेक्ट, यानी किसी को यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। सबसे पहली खासियत क्या है कि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहेगा, ना कॉम्प्रेसर रहेगा ना टर्बाइन रहेगा, कोई भी चीज यहाँ पर यूज नहीं होती। सो उसकी जगह पे क्या होगा, यहाँ पे वी आर यूजिंग सुपरसोनिक एंड सबसोनिक डिफ्यूजर टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड द रैम प्रेशर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेशर में। तो ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट, इसको प्रोसेस को हम लोग रैमिंग इफेक्ट बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस नेम इज रैमजेट इंजन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मल शॉक है, एक एयर जब यहाँ पे अंदर आ रही है, सो क्या होगा, एयर अंदर आने वाली है और वो सबसे पहले सबसोनिक डिफ्यूजर से पास होती है। यहाँ पे जब हम डिफ्यूजर बोल रहे हैं तो डिफ्यूजर का मतलब क्या है, नोजल है। तो सबसोनिक और सुपरसोनिक डिफ्यूजर के बारे में हमने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा था। सो क्या होगा, सबसे पहला सबसोनिक यानी ये नोजल का काम क्या है कि जो एयर आ रही है उसके प्रेशर को कम करना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर को हम लोग कम कर देते हैं और उसकी जब प्रेशर कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, उसके बाद उस एयर के अंदर हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद में फ्यूल कम्बशन होता है, तो यहाँ पे फ्लेम होते हैं, फ्लेम इग्नाइटर यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे ये दिख रहा है फ्लेम होल्डर। तो यहाँ पे एयर अंदर आएगी, सबसे पहले हम उसकी वेलोसिटी को कम कर देंगे, वेलोसिटी कम होगी प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये काम कौन करता है, सुपसोनिक डिफ्यूजर में यही काम होता है। उसके बाद उसको हम लोग फ्यूल मिक्स करते हैं फ्लेम के साथ में, कम्बस्ट करते हैं। तो ये कम्बस्टर होता है, इसके अंदर ये पूरी की पूरी जो आपकी एयर है वो कंबशन होती है। तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है, और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो एयर की स्ट्रीम है, जो गैस है, दैट विल बी देन पास थ्रू दी नोजल। और ये जो नोजल रहती है वो होती है सुपरसोनिक डिफ्यूजर। तो सुपरसोनिक डिफ्यूजर से जब वो निकलेगी तो वो जो मोमेंट है, वो जो गैस है, उसका जो वेलोसिटी है दैट इज
क्रिएटेड, और वो कौन से लेवल की रहेगी, वो सुपरसोनिक लेवल की रहेगी, यानी साउंड की स्पीड से, ज्यादा स्पीड से वो जो गैस की स्ट्रीम है वो बाहर निकलेगी। तो ये आखिरी वाला नोजल होता है, सुपरसोनिक डिफ्यूजर होता है। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पीड है आपके मिसाइल को वो मिलती है। सो ये जो रैमजेट इंजन है, ये जनरली यूज किया जाता है गाइडेड मिसाइल्स में, या फिर जो आजकल नया ट्रेंड है जो ड्रोन्स होते हैं, मिलिट्री के जो ड्रोन्स होते हैं उनमें भी इस टाइप का इंजन होता है। इसमें कितना है, जितना ज्यादा स्पीड से, जो वेलोसिटी से ये एग्जॉस्ट जेट बाहर निकलने वाला है, वही एग्जॉस्ट जेट यहाँ पे नई एयर को अंदर आने के लिए जगह क्रिएट करता है। यानी जितना ज्यादा ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे उतना वैक्यूम रहेगा, और उतनी ही ज्यादा स्पीड से, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में नई एयर यहाँ पर अंदर आएगी। सो वी आर यूजिंग ओनली डिफ्यूजर, यानी नोजल्स को ही यूज करके हम लोग यहाँ पे जेट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ रैमजेट इंजिन्स। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ा। हमने सबसे पहले जेट प्रोपल्शन के बारे में पढ़ा था कि जेट प्रोपल्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेट इंजिन के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखी है। तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टर्बो जेट इंजिन हमने पढ़ा है, उसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको आनी चाहिए, टर्बो प्रॉप इंजन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग और डायग्राम आपको आना चाहिए, एंड सिमिलरली रैमजेट इंजन के बारे में भी हमने अभी पढ़ा है। सो दिस आर दी आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आखिरी में बात कर लेते हैं कि कौन से पीओ और पीएसओ मैप हुए हैं। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज यहाँ पर मैप हो रहा है हमारा, उसके बाद डिसिप्लिन नॉलेज मैप हुआ, देन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इसीलिए PO3 मैप हो रहा है। उसके बाद इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, PO4 मैप हुआ है। उसके बाद PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क मैप हुआ, कम्युनिकेशन PO9 मैप किया, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग PO10 भी हम लोगों ने मैप किया था। देन कम्स टू द PSO2 एंड PSO3, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स। सो दैट्स व्हाई PSO2 एंड PSO3 आल्सो मैप्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द जेट प्रोपल्शन, द टाइप्स ऑफ जेट इंजिन्स। सो इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द जेट जेट प्रोपल्शन। अभी हमने पहले टाइप का जेट प्रोपल्शन के इंजन देखे हैं, जिनमें हम लोग कंटिन्यूअस टाइप के सिस्टम देखे, एयर ब्रीदिंग इंजन के बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं, यानी रॉकेट प्रोपल्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा, दैट विल बी ऑन रॉकेट प्रोपल्शन। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।